नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में हर दिन आप लोगों को सेवा में जो वीडियो आप लोगों को सीखने के लिए देते हैं, तो आज का टॉपिक्स बहुत ही वाइटल टॉपिक्स है, जो कि सामने वंदे भारत एक्सप्रेस जो खड़ा है, हम लोग चलेंगे उधर। और आप लोग जानते हैं कि चार कोच में एक यूनिट बनते हैं, तो पहला यूनिट DTC ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच। अगर चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। चलिए, इस कोच के अंदर में यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच में हम लोग सब कुछ देखेंगे, नीचे में क्या लगा है और ड्राइविंग कैब में क्या है और कितना सीट कैपेसिटी है। तो ड्राइविंग कैब में क्या क्या है देख लीजिए। तो ये हुआ ड्राइविंग कैब, और ये ड्राइविंग कैब एक ट्रेन में एंड टू एंड मतलब एक इस तरफ और एक उस तरफ में रहेंगे। इनमें आधा आधा गार्ड पार्ट और आधा है आपका ड्राइवर पार्ट, जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ड्राइवर बैठता है और राइट साइड में गार्ड बैठ। जितने भी डिस्प्ले बटन और डिस्प्ले आपका स्क्रीन दिख रहा है और जो गेज दिख रहा है, सबका मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए तो सब कुछ पता चल जाएंगे। तो चलिए इनके पीछे में देखते हैं कि इनमें सीट कैपेसिटी और सीट किस तरीके के पैसेंजर सीट होते हैं। तो कोई कोई पूछता है कि इस कोच में ये ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच जो है, इसमें सीट कैपेसिटी होते कि नहीं होते, सोचते कि ड्राइवर बैठने के लिए होता है, लेकिन ये लोकोमोटिव नहीं रहता है, ये इंजन लेस है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक चेयर कार है, इस चेयर कार में 44 आपका सीट रहेंगे। दूसरा जो चेयर कार होता है उनमें आपका 78 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 52 सीट होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग नीचे में उतरेंगे और नीचे में ये आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच में क्या है देखेंगे। तो देखिए, ये जो सामने पार्ट है, इस पार्ट में एक एंगल कॉक दिखता है सादा, एक हरा मतलब एयर होस लगा है और एक CBC दिखता है। ये हो गया आपका MS डेलनर डीजल लोकोमोटिव के साथ में लगने वाला एक CBC, जो कि कोई कारण से कुछ खराबी होने से ट्रेन में लोकोमोटिव से पुलिंग कर सकते हैं। एंगल कॉक के ठीक पीछे में एक जॉइंट दिख रहा है, इधर रिड्यूसिंग सॉकेट देने के बाद में आपका 28 SS पाइप अंदर में जा रहा है और 32 का आपका एंगल कॉक के साथ फिटिंग। इधर देखिए लाइन आया है, इधर आइसोलेटिंग कॉक मेन पाइप में दोनों दिया हुआ है। DTC का अंडर फ्रेम में माउंट हुआ है 10 लीटर का टैंकी, वाइपर का वाटर इसमें स्टॉक होते हैं। व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक और हर आपका एक बोगी में दो आपका पार्किंग ब्रेक लगे रहते हैं, एक नंबर और तीन नंबर में। ये है ट्रेन 18 सेट बोगी, ये फीएड बोगी को आपको मॉडिफाई किया हुआ 17-ton एक्सेल और व्हील जो आपका डायमीटर होता है 952 कंडमिंग होता है 7877 और आपका स्वॉप फिटिंग होंगे 896 में। अभी ये है प्राइमरी सेक्शन, आपका एक्सेल बस में लगा हुआ है कंट्रोल आर्म स्प्रिंग सेट और ये फोनिक व्हील के एक्सेल बस कवर और इधर प्राइमरी डंपर और इधर देखिए एक्सेल लग में 44.5 के आपका क्लियरेंस होते हैं। ब्रेक सिस्टम के लिए व्हील में ये डिस्क फिटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। इस फुटबोर्ड के ऊपर में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर प्लग सिस्टम के लगे होते हैं, कंट्रोल आर्म सेमी बॉल फिक्सन बॉल जॉइंट और साथ में CTRB आपका रोलर बियरिंग यूज हो रहा है। अभी हम चलेंगे सेकेंडरी सिस्टम, सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम देख रहे हैं। बोस्टर लेस एक एयर बेलो फिटिंग्स है, वर्टिकल डैम्पर और ईओ डैम्पर फिटिंग्स है, देखिए बॉडी बोगी कनेक्शन में। और अंदर में ट्रैक्शन सेंटर लीवर दिख रहा है और एंटी रोलबार सिस्टम इसमें लगे हुए है, एंटी रोलबार फ्रॉग दोनों तरफ लगे हुए हैं बोगी का फ्रेम का साथ में, फ्रेम का साथ में बॉडी का साथ में देखिए सेफ्टी वायर रोप लगा हुआ है। तो चलिए बोगी का सेंटर में देखिए क्या लगा हुआ है। अब देख रहे लेटरल डैम्पर दो साइड में दो लगा होता है, LHB में जैसे एक लगा रहता है एक बोगी में, इनमें एक बोगी में दो लेटरल डैम्पर लगा होता है। पी बोर्ड इनके ऊपर से आए है और आपका नीचे में एंड कैप से सील हुआ है स्टार्ट देकर, और देख रहे हैं ट्रैक्शन रॉड दो दिख रहे हैं,
दो तरफ दो ट्रैक्शन रॉड एंटी रोल बार सिस्टम है। ऊपर में दो पाइप फ्लेक्सिबल पाइप दिख रहा है, ये पाइप आपका ब्रेक सिस्टम के लिए, और ये आपका सेफ्टी और रोप दिख रहा है। सेकेंडरी सस्पेंशन के बाद में फिर से प्राइमरी सेक्शन, एक्सेल बॉक्स कवर में दो पाइप दिख रहा है, ये फोनिक व्हील सेट है, ये फ्रंट रोल और ब्रेक रोल में काम करता है। अभी देखिए, चलिए एयर बेलो सिस्टम जो है इसमें लेवलिंग वाल्व इनसाइड में रखा हुआ है और इंस्टॉलेशन लीवर हॉरिजॉन्टल लीवर आप लोगों को दिखता है। इसमें कोई बोस्टर नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी से देखिए बेलो में आ गया। जितना भी पाइप का जंक्शन दिखता है, जैसे ग्रीन है बीपी प्रेशर, रेड होता है बीसी प्रेशर, और वाइट जहां देखेंगे पाइप कोड में आपको एमआर प्रेशर, और येलो रहेंगे तो वो पार्किंग ब्रेक होंगे, और अगर काला रहेंगे तो एयर बेलो का सप्लाई लाइन का प्रेशर बोल समझेंगे। ये एक पार्किंग ब्रेक सिस्टम का व्हील है। इस ब्रेक कैलिपर में देखिए रेड आपको वायर दिख रहा है, ये आपका पार्किंग ब्रेक आइसोलेटिंग करने के लिए ये सिस्टम लगा हुआ है। पार्किंग ब्रेक जहाँ रहेंगे उधर ब्रेक कैलिपर में दो पाइप आपका फिटिंग्स रहते हैं। प्रति कोच के प्रति डोर के पीछे में इस तरह के आइसोलेटिंग कॉक रहते हैं, कोई भी आपातकालीन कारण से डोर को आइसोलेट करने के लिए। तो अभी चलिए अंडर फ्रेम में क्या लगा है। देखिए इधर डम वाल्व लगा हुआ, और इधर देखिए दो ऑक्जुलरी रिजर्वर दिख रहा है, जो कि एयर बेलो में सप्लाई ऑक्जुलरी रिजर्वर 50 लीटर। ये दोनों टैंक के ठीक पीछे में उस साइड में आपका इस तरीके के एक बोर्ड दिखेंगे, जिसमें दो नॉब, एक बाहर में एक अंदर में नॉब दिख रहा है। वर्टिकल रेड नॉब जो है ये होगी आपका ब्रेक आइसोलेशन यानी बॉगी ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक। और हर कोच में आपका दो आपका इस तरीके के बॉक्स दिखेंगे, LB1 और LB2, और उसके अंदर में एक आइसोलेटिंग नॉब रहेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल ऑन पोजीशन होता है, वो हो गया आपका। वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच होते हैं, 16 कोच में दो DTC यानी डाइविंग ट्रेलिंग कोच और दो NDTC नॉन डाइविंग ट्रेलिंग कोच होते हैं। इस कोच में स्पेशल फिटिंग्स रहता है, कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर मशीन और 200 लीटर का टैंक, और साथ में रहेंगे बैटरी चार्जर और बैटरी बॉक्स। दो एयर बेलो ऑक्जुलरी रिवर 50 लीटर के बीच में डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटिंग्स किया जाते हैं। तो चलिए अभी देख रहे हैं एयर कंप्रेसर नॉर बीम्स के 200 लीटर के मेन रिजर्वर और साथ में ऑटो ड्रेनेज सिस्टम के पॉइंट लगा हुआ है। इनके ठीक पीछे में आपका एक आइसोलेटिंग कॉक रहेंगे, इधर रेनर भी दिख रहा है, और ये नॉर बीम्स के एयर कंप्रेसर आपको दिख रहा है सामने में। ये आपका वायरलेस होता है पिस्टन स्ट्रोक सिस्टम के, ये एयर कंप्रेसर, एयर ड्रायर रहता है, कूलिंग सिस्टम है, और इसके बाद में प्रेशर आपको मेन आपको ये NDTC और DTC कोच में लगा रहेंगे। इधर बैटरी आपका बॉक्स दिख रहा है, और साथ में मेधा कंपनी के बैटरी चार्जर भी रहेंगे इधर। इसके बाद में दिख रहा है 1100 लीटर का वाटर टैंक और साथ में फिलिंग पॉइंट, और इसमें आपका दो पंप यूज़ किया जाता है ऊपर में पानी जाने के लिए, ऊपर में कोई टैंक नहीं होता है एक्स्ट्रा। ठीक आपके बैटरी बॉक्स के पीछे में आपको दो 75 के टैंक दिखेंगे, जो कि एमआर प्रेशर से परिचालित है, और वो एक टैंक आपका एयर ब्रेक में जाते हैं मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम के, और एक टैंक आपका एयर बेलो में सप्लाई लाइन के लिए जाता है। इसके बाद में पहला बोगी में जो जो सामान थे फिर से देख सकते हैं कि 50 लीटर के ऑक्जुलरी एयर बेलो के लिए। इसके बाद में आपका इधर एक आपका डंप वाल्व मिलेंगे इस एक्सेल के लिए, और एक डंप वाल्व आपका पीछे पार्ट में पीछे एक्सेल के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग चलेंगे ये बोगी से आपका मोटर कोच के तरफ, लेकिन इधर एक्सेल बॉक्स कवर देख रहे हैं, टेको गियर और एक्सेल बॉक्स कवर का हर एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें डिफरेंशियल एक्सेल बॉक्स कवर मिलता है आपको DTC MC TC के लिए, उसको देख लीजिए। तो चलिए अभी इधर हम लोग देखेंगे। इस बोगी में भी आपको देख सकते हैं कि एक आपका पार्किंग ब्रेक के पॉइंट, दो पाइप इस में दिख रहा है, और एक डंप वाल्व इधर यूज़ किया है इस एक्सेल में। अभी उस साइड में आप लोगों को दिखता है एक
बायो टॉयलेट जो कि वैक्यूम बायो टॉयलेट बोला जाता है। इधर देख रहे हैं कि फूड बोर्ड और ऊपर में देखिए गेट खुला हुआ है। ऑटो स्लाइडिंग प्लग डोर इसमें यूज़ होता है और उसमें प्रेशर रहता है यार मोटर के साथ में, ये ऑटोमेटिक आपको डोर क्लोज एंड ओपन होते हैं। आस्ते आस्ते हम लोग DTC के बाद में MC कोच में देखिए हम लोग चल रहे हैं। इधर आपको APBP पाइप दिख रहा है, मतलब MR और BP प्रेशर का, और इधर AR शील्ड गैंग हुए दिख रहे हैं और सेमी डेनलर कपलर भी दिख रहा है, इसमें यूज़ किया जा रहा है सेमी डेनलर परमानेंट कपलर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग DTC में लगे हुए सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी लिए होंगे। इसके बाद वाला वीडियो में आप लोगों को हमने दिखाएंगे कि मोटर कोच में क्या स्पेशल पार्ट्स लगे हुए हैं और बॉगी असेंबली क्या है। तो आप लोग अगर भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैंने जब ही देंगे तभी आप लोगों के पास में इंटीमेशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।